आप देख सकते हो मैं बहुत चाकू को दबा रहा हूँ, दबा के मैं इसे चला रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लव्स में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये अमेजोन से ऑर्डर किया गया है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वही तुरंत से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो पेयर ग्लव्स हैं। सबसे पहले हम इसके मॉडल की बात करते हैं, तो इसका जो मॉडल है वो कारोमोच कारो 988 है, जो कि ये एंटी कट हैंड ग्लव्स हैं। एंड इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो मटेरियल रबड़ फिनिशिंग के साथ यूज किया गया है। एंड इसका जो साइज है वो फ्री साइज है। एंड इसके जो फीचर है, अगर हम इसके फीचर की बात करें, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये बहुत ही लाइट वेट हैं एंड बहुत ही ये थिन भी हैं। लाइट वेट के साथ साथ ये बहुत थिन भी हैं एंड ये एंटी कट है, दैट मीन्स ये हाईली कट रेसिस्टेंस है। ये लेवल 5 तक आपके हैंड को प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड इसके साथ साथ ये हाईली ब्रीथेबल भी हैं। ब्रीथेबल का मतलब है कि इसका जो मैश है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो मैश है, इस मैश के आर पार एयर जो है बहुत ईजीली पास हो सकती है। एंड अब मैं अगर इसके फीचर्स की बात करूं, तो फीचर्स में ये लाइट वेट है, हाईली ब्रीथेबल है, कट रेसिस्टेंस है, ये अल्ट्रा थिन है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इसको कहां कहां यूज कर सकते हो, तो आप इसे किचन में यूज कर सकते हो, आप इसको इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, आप इसको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज कर सकते हो, और आप इसको गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हो। किचन में आप इसको सब्जी काटने के लिए यूज कर सकते हो, एंड जैसे टोमेटोज, पोटेटोज, एंड जैसा मिर्ची भी होती है उससे ऑनियंस को काटने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। एंड इंडस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हो, इसे पहनकर आप जो हैवी जो मटेरियल्स होते हैं आप उसे लिफ्ट कर सकते हो। एंड कंस्ट्रक्शन में भी आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा जो मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आयरन हो गया है, जैसे ब्रिक्स हो गया है, ईंटें हो गई, आप उसको उठाने का भी काम कर सकते हो। एंड आप इसका यूज गार्डनिंग में भी कर सकते हो, जैसा कि गार्डनिंग में बहुत सारे जो टूल्स होते हैं उनको यूज करना पड़ता है, तो आप इनको पहन के उस टूल्स को आसानी से आप यूज कर सकते हो। एंड अब मैं इसकी बात करूं कि एडवांटेज इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि ये बहुत थिन है। थिन होने की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो है इनकी जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी होगी। एंड ग्रिप अच्छी होने की वजह से आप किसी भी औजार को, किसी भी टूल्स को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हो और उसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। एंड सेकेंडली क्या है ये कि हाईली ब्रीथेबल है। हाईली ब्रीथेबल का मतलब क्या है कि इसका जो मैश है उसके आर पार जो एयर है बहुत आसानी से पास हो जाती है, जिसकी वजह से जो पसीने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, पसीना बहुत आसानी से सूख जाता है। क्योंकि जब आप बहुत देर तक काम करते हो तो आपके हाथों में पसीना आना स्वाभाविक होता है, तो क्योंकि इसका जो मैश है उसके आर पार एयर बहुत ईजिली चली जाती है, तो फिर उस वजह से आपका जो हाथ है वो ड्राई रहता है, जिससे आप बहुत लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ ये हाईली कट रेसिस्टेंस है, कि जैसा कि आप काम करते हो खेतों में, निराई गुड़ाई का काम करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम टूल्स को हाथ में पकड़ते हैं बिना ग्लव्स पहने हुए, तो रिपीटेटिव बहुत देर तक पकड़ने की वजह से एंड हैवी काम करने की वजह से हमारे हाथ में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हाथ छिल सकता है, कट सकता है, और हमारी जो खाल है वो उसमें छाले पड़ सकते हैं, और जो खाल है वो काफ़ी मोटी हो जाती है काम करके यदि आप बिना ग्लव्स पहने हुए कोई टूल्स से आप काम करते हो, तो आप इसको पहनकर इन सारी प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ क्या है कि ये थिन भी हैं और ये लाइट वेट भी हैं, तो जिससे आपको अनकम्फर्टेबल नहीं फील होगा, आप बहुत आसानी से अपना काम कर सकते हो। एंड फाइनली इसका जो डिसएडवांटेज है, हम अगर गार्डनिंग में यूज करेंगे, तो डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये रेनी सीजन में हम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, और अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो जो गीली मिट्टी है उसकी वजह से ये
गीले हो जाएंगे और आपका हाथ भी अंदर गीला हो जाएगा और बहुत देर तक आप काम नहीं कर सकते हो। लेकिन ड्राई लैंड पे, ड्राई मिट्टी पे आप निराई गुड़ाई का काम इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। कहीं प्लांट लगाना हो, प्लांटेशन करना हो, या किसी दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज करनी हो, कोई सामान उठाना हो तो आप इनसे बहुत आसानी से कर सकते हो। क्योंकि यदि हम कोई हार्ड काम कर रहे हैं, बागीचे में निराई गुड़ाई का काम कर रहे हैं, तो हम बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्लव्स आपने पहने होंगे तो आप बहुत देर तक वो काम बहुत आसानी से कर सकते हो। एंड फाइनली, इन ग्लव्स की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो ये है कि ये बहुत ही सस्ते हैं। 299 में मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है एक पेयर, तो आप देख सकते हैं। एंड फाइनली मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाई कर सकते हो अपने घर में। किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत दबाने के बावजूद भी इस ग्लव्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि इस चाकू की धार बहुत ज़्यादा तेज है। तो ये एंटी कट रेसिस्टेंस ग्लव्स है जो आपका लेवल 5 तक आपको प्रोटेक्शन देता है। आप देख सकते हो मैं बहुत चाकू को दबा रहा हूँ, दबा के मैं इसे चला रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लव्स में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप देख सकते हो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। और मेरे पास ऑलरेडी ये दो ग्लव्स हैं, एंड दो ग्लव्स मैंने और मंगवाए हैं। ये मैंने गार्डनिंग पर्पज़ के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि अब तक मैं बहुत प्रकार के इन ग्लव्स को यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन वो उन ग्लव्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। वो एक दिन में या दो दिन में उनसे लगातार काम करने के बावजूद वो फट जाते थे, इसलिए मैंने ये वाले ग्लव्स मंगवाए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी ये ग्लव्स गार्डनिंग में यूज़ करे हैं, तो ये ग्लव्स काफ़ी ड्यूरेबल हैं एंड ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप कई महीनों तक इन ग्लव्स से, सालों तक इन ग्लव्स से गार्डनिंग में निराई गुड़ाई का काम कर सकते हो। एंड ये जो ग्लव्स हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ना तो ये फटेंगे, ना ही सड़ेंगे और ना ही ये गलेंगे।